सहजपाल या फिर उमर रियाज, आखिरकार आप किसको बचाने वाले हैं? वेल, आखिरकार बिग बॉस ने कौन सा खेल रचा है प्रतीक सहजपाल और उमर रियाज के फैंडम के लिए? क्या कुछ है पूरी अपडेट, क्या है पूरी खबर, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, आपको बता दूं बिग बॉस सीजन 15 के घर में कुछ दिनों पहले ही प्रतीक सहजपाल और उमर रियाज के बीच में टिकट टू फिनाले टास्क के दौरान हुई थी हाथापाई, जहाँ प्रतीक सहजपाल पर हाथ उठाया था उमर रियाज ने। वेल, अब इस बात को खेल में रचाते हुए बिग बॉस ने चल दी है एक बड़ी चाल। जी हाँ, बिग बॉस ने वोट ऐप पर एक वोटिंग लाइन खोल दी है, जहाँ की उन्होंने उमर रियाज के लिए लिखा है कि क्या बल का प्रयोग करने के बाद भी उमर रियाज का घर में रहना जायज है। यस और नो बटन दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ फैंडम के ऊपर छोड़ दिया है कि क्या उमर रियाज का बिग बॉस सीजन 15 के घर में रहना जायज़ है या फिर नहीं। यानी बिग बॉस अब नहीं डिसाइड करेंगे कि प्रतीक सहजपाल को निकलना चाहिए या फिर उमर रियाज को निकलना चाहिए, लेकिन बिग बॉस ने ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी आप पर, यानी कि उमर रियाज और प्रतीक सहजपाल के ऑडियंसेस पर दे दी है कि आखिरकार क्या उमर रियाज को घर में रहना चाहिए या फिर घर से बेघर हो जाना चाहिए। वेल, आपको कौन सही लगता है? क्या आपके अकॉर्डिंग उमर रियाज सही है? क्या बिल्कुल सही है? तो आप यस ज़रूर क्लिक करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि उमर रियाज ने गलत किया है, क्योंकि पहले भी हो चुका है ऐसा नहीं है कि ये उमर रियाज के साथ पहली बार हो रहा है, लेकिन उमर रियाज के केस में ये वोटिंग लाइन पहली बार खोली गई है, क्योंकि हाथापाई तो कई सीजन से और साथ ही साथ सीजन 15 में भी कई बार हुई है, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं आया है। लेकिन फिनाले में पहुंचने के बाद अब उमर रियाज के लिए बड़ा खेल खेल दिया है बिग बॉस ने। आपको क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट और बिग बॉस से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।